मैं तो पार्टी कर रहा था, मजे कर रहा था, मुझे बंदर ने बुलाया बोला धुमक धुमक कर नाचो रे। भैंस के पास भैंस के डंग तबत तबत सारा पार्टी खराब कर दिया। तो गाइस फिलहाल ये बंदर बंदर को इग्नोर करो। तो हेलो डिचिन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो फाइनली आज लेकर आ चुका है ग्रैनी का एक और न्यू मोड, जिसमें ग्रैंडपा बने हैं बंदर और ग्रैनी बन गई है बंदर। तो हाँ गाइस, ऐसे सुनसान जंगल में चुड़ैल होना आम सी बात है। तो चलो यार जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो गाइस जब तक ये वीडियो शुरू हो रही है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ गाइस, लाल बटन दबाना बिल्कुल भूलना रे बाबा। तो फाइनली गाइस हम लोग जंगल में मंगल करने पहुंच चुके हैं, और फिलहाल यार इस ताले को हम लोग तोड़ देते हैं। और वेट, ये क्या भाई, इन्होंने सच में पूरा घर को जंगल बना डाला। और हाँ भाई, अभी ना मेरे को थोड़ा संभाल, क्योंकि बाहर से ना मेरे को बहुत ज्यादा ही फूड स्टेप आ रहे हैं, और पता नहीं यार नीचे कौन आ रहा। ओ भाई ये तो अपनी प्यारी ग्रैनी है गाइस। अबे भाई ये तो काटने कुटने की बात कर रही है। फिलहाल ये ग्रैनी बंदरिया बनने पे और भी ज्यादा ही खतरनाक हो गई है। और ये क्या भाई, मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रिक स्विच मिल गया है। तो फिलहाल इसको लेकर चलते गए थे हम लोग नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल बंदर ग्रैनी भी नहीं है। अच्छा तो मेरे को ये भी मिल गया, अभी उधर काट लूंगी। अरे भाई ये बंदरिया ग्रैनी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरे भाई मेरे को इनसे बच के निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग मेरे को काट लिए ना, फिर मेरे को 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे रे बाबा। और हाँ भाई, मेरे को ना सुई से बहुत ज्यादा ही डर लगता है। अभी ना आप लोग बताओ गाइस, क्या आप लोगों को सुई से डर लगता है कि नहीं? ओ भाई साहब, यहाँ पे तो भाई हर कुछ लकड़ी के बने पड़े हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल सारे स्विच को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। एंड विस कौन करना है, डिस कौन करना है? ओ भाई, अबे भाई ये पगली स्लेंडर ने बता रही है, फिर डरा रही है। तो अभी ना सब लोग कमेंट में गाइस पगली स्लेंडर ले। अरे यार निकल लो गाइस, निकल लो। और वेट गाइस, मेरे को ना यहाँ से वेपन की मिल गई है, और अभी तो गाइस ग्रैनी की खैर नहीं। ओके तो फिलहाल इसको भी हटा लेते हैं। तो यहाँ से नहीं बच पाएगा। अरे यहाँ पे ये 10 का नोट किसका गिरा पड़ा है? ओके भाई यही सही वक्त है। फिलहाल वहाँ पे ग्रैनी 10 का नोट लेने गई है, और इससे पहले कि ग्रैनी को सच्चाई का मालूम पड़ जाए, उससे पहले ही मैं यहाँ से निकल लगा रे बाबा। और हाँ भाई, अभी ना थोड़ा संभल के, क्योंकि अभी पता नहीं है गंजू ग्रैंड पर कहाँ पर कैंपिंग करके बैठे होंगे। ओके भाई, फिलहाल मेरे को यहाँ पे कहीं से फूड स्टेप तो नहीं आ रहे, इसका मतलब कि यहाँ पे रास्ता पूरा क्लियर है। ओके गाइस, फिलहाल यहाँ पे मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी ना यही सही वक्त है गाइस, फटाफट से अपना वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। और ये लो भाई, तो फाइनली मेरे को यहाँ से स्लिंग शॉट मिल चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर वेट, मेरे पास तो स्टोन ही नहीं है गाइस। ग्रैनी जल्दी आ, भैंस की पिछ मिल गया मेरे को 10 मिनट में। अरे यार निकल लो भाई, निकल लो यहाँ से। ओके 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 गाइस, यहाँ पे एक स्टोन पड़ा है, तो जल्दी से अभी इसको उठा लेते हैं। एंड फिलहाल मेरे लिए एक स्टोन काफी होगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही गाइस कि मैं कितना ज्यादा प्रो हूं। तो अभी सब लोग कमेंट में प्रो 10 मिनट का कमेंट कर दो, और हाँ नुबड़ा कोई भी कमेंट मत करना गाइस, वरना मैं रोने लगेगा रे बाबा। अबे भैंस की पिछ रुलाऊंगा तो मैं तेरे को। ए बंदर लगेगी। अरे बाप रे बाप, टेबल से लग के मेरा सर फूट गया। ये लो भाई, उल्टा ही नहीं को लग गया। फिलहाल यहाँ पे काफी ज्यादा शुरू हो गया है, और अभी यार यहाँ पे ग्रैनी भी आती होगी, तो इससे पहले कि यहाँ पे ग्रैनी बंदर आ जाए, इससे पहले ही मैं यहाँ से निकल लेगा रे बाबा। और रुको 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 भाई, मैं यहाँ पे ना कुछ तो भूल रहा हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने ना अभी वॉलर रूम को चेक करा ही नहीं, क्या पता मैं उस वॉलर रूम में भी कुछ काम का मिल जाए। और ये लो भाई, यहाँ से मिल चुका है। अबे भाई ये बंदरिया कहाँ से आ गई? बड़ा ही किंग कॉन्ग बनने वाली। ये ग्रैनी गोरिल्ला तो सच में भाग गई गाइस। अभी ना आगे आगे देखो गाइस, और क्या क्या फोड़ता हूँ ये लोग का। ओके गाइस, तो अभी ना आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आखिरकार इस कोकोनट के अंदर क्या होगा। मेरे को तो लगता है गाइस इसके अंदर पक्का लॉकर की या फिर कॉइन होगा। तो अभी आप लोग बताओ गाइस कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। तो जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हो, तब तक हम लोग चलते हैं नीचे की साइड। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। ओके गाइस, तो अभी हमें इस वाले कोकोनट को यहाँ पे लगाना है, एंड हमें बस इसको प्रेस करना है। और वेट, ये क्या, इसमें से हमें पत्थर मिला है। अबे यार क्या ही फूटी। ओके वेट भाई, कॉइन भी मिला है हमें। यार मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, मुझे तो लगा कोकोनट के अंदर से पत्थर निकल गया रे बाबा। अरे तो तुमने सूर कर लोगे, परेशान कर दिया मेरे को। बस अभी एक बार मेरे हाथ में आ गए,
उसको खच्चा। तो अभी ना गिरानी उधर की तरफ गई है, तो यही सही मौका गई, तो इस वाले कॉइन को यहीं से नीचे ड्रॉप कर देते हैं। और अभी भाई निकल लो यार, निकल लो यहाँ से, क्योंकि फिलहाल गाइस वहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो गया है और ग्रैनी तो वहाँ पे अभी भागे भागे से जाएगी। और हाँ गाइस अभी ना इस वाले एरिया पे थोड़ा संभाल के, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रैंडपा कभी कभी पार्टी करने आते हैं और अगर वो हमें देख लिया ना तो गंजो बुड्ढा हमारा पीछे पड़ जाएगा बाबा। और ये लो भाई हम लोग इसी को तो ढूंढ रहे थे। तो फाइनली मुझे यहाँ से प्लैंक भी मिल चुकी है, तो अभी इसको लेके चलेंगे गाइस हम लोग सीधे ऊपर की साइड, मेरा मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे गाइस। और हाँ अभी मैं उधर से नहीं जाऊंगा क्योंकि उधर पे भी ग्रैंड ग्रैंडपा कैंपिंग कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे शोर कर लेता हूँ। और अभी यार निकल लो गाइस, निकल लो यहाँ से। ओके गाइस तो ग्रैंडी ये भी भागे भागे उधर की साइड, एंड पता नहीं ये गंजू ग्रैंडपा कहाँ पे कैंपिंग कर रहे होंगे। और इधर देखो गाइस ग्रैंडी ने यहाँ पे क्या ही ट्रैप बिछाई है। ओ भाई फिर से शोर हो गया। अभी प्लीज यार प्लीज अभी ऊपर में बस ग्रैंडपा ना हो, वरना मैं तो गया फिर। ऑलराइट गाइस तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अभी किसका वेट करना गाइस, फटाफट से प्लैंक को यहाँ पे लगाना है एंड लेट्स गो। और ये लो भाई तो फाइनली मेरे को यहाँ से मिल चुका है ट्रेन एक्सीलरेटर, जो कि यहाँ से ट्रेन स्किप करने में काफी ज्यादा ही हमारा काम आने वाला है। तो जल्दी से अभी इसको लेकर यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। और इससे पहले कि वो यहाँ पे जाए, निकल लो रे बाबा, निकल लो यहाँ से। ओके भाई तो अभी हम लोग इस वाले एक्सीलरेटर को यहाँ से नीचे ड्रॉप करने वाले हैं। और हाँ गाइस अब टाइम आ गया अपना कलुआ से मिलने का, बट उससे पहले गाइस हम लोग यहाँ से शॉटगन को उठा लेते हैं। और ये रहा गाइस हमारा शॉटगन कलुआ, हमारा प्यारा कलुआ। चुप हो जा नुबड़ा, वरना तेरा फुला दूंगा हलवा। चल निकल निकल, बड़ा है मेरे को नुबड़ा कहने वाला। माना कि भाई मैं थोड़ा बहुत नुबड़ा हूँ, पर ऐसे मुंह पे कौन बोलता है रे बाबा। और हाँ गाइस अभी ना सब लोग कलुआ के लिए राइप कलुआ लिख दो, ताकि ताकि अपना प्यारा कलुआ की आत्मा को शांति मिल जाए। तो सब लोग कमेंट करो गाइस राइप कलुआ। ओके गाइस तो जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हो तब तक चलेंगे हम लोग इधर से नीचे की साइड। और अभी ना मेरा गाइस हार्ट बीट काफी तेजी से धड़क रहा है और फिलहाल मेरे शॉटगन में एक भी एमो नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग शॉटगन को रीलोड करने वाले हैं। ओके एक तो हो गया एंड एक लास्ट। और ये लो भाई तो अभी हमारा शॉटगन फुल्ली रीलोड हो चुका है। चल निकल निकल, खुद तो आया ऊपर तक बंदे के ऊपर बुला रही है। ओके गाइस फिलहाल ग्रैनी तो मर गई, पर अभी ग्रैंडपा भी यहीं कहीं से आते होंगे। और पता नहीं अभी ग्रैंडपा ये कहां से आएंगे। मेरे किंग कॉन्ग ग्रैनी को मार। हाँ मारा, अब मैं तेरे को मारेगा। भैंस की पूछ में बदला लेने तेरे से जरूर आएगा 10 मिनट में। हाँ जब आओगे देख लूंगा ग्रैंडपा। ओके तो फिलहाल मेरे को यहाँ ट्रेन की मिल चुकी है, और पता नहीं यार मैंने ट्रेन एक्सीलेटर कहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ठीक है यार फिलहाल इसको हम लोग यहीं पे नीचे ड्रॉप कर देते हैं। एंड अभी हमें यहाँ से स्किप करने के चाहिए गाइस ट्रेन एक्सीलेटर, जिसको मैंने लास्ट टाइम यहीं गए। ओके ये रहा ना गाइस, मैं भी यार इसको जहाँ तहाँ ढूंढ रहा था। ओके तो फिलहाल मुझे ट्रेन एक्सीलेटर भी मिल चुकी है, एंड इसको लेकर चलेंगे अभी हम लोग नीचे की साइड। और हाँ अभी ना आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मोड में ग्रैंड ग्रैंडपा को क्या बना दूं रे बाबा। अभी ना सब आप लोग अपना अपना आइडिया दो गाइस, और जिसका आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा होगा नेक्स्ट मोड उसी पे होगा रे बाबा। तो गाइस जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हो तब तक हम लोग इस वाले कॉइन को यहाँ पे लेके जाएंगे एंड इसको भी यहाँ पे डालेंगे। और बस हमें ये वाला बटन को दबाना है। और ये लो भाई तो हमें यहाँ से ट्रेन टिकट भी मिल चुकी है, बट अभी ना मैं डायरेक्ट नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि ना अभी मेरे को यहाँ से स्किप करने के लिए ट्रेन की भी चाहिए होगा, जो कि फिलहाल यहाँ पे पड़ी है। तो इसको भी उठाकर हम लोग चलते गाइस नीचे की साइड। और हाँ भाई अभी ना 1.5 मिनट पूरे होने वाला है और मेरे को ना ये सारे काम अभी जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, वरना भाई ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पे आते ही। अरे हाँ भाई लेना टिकट, मैं तो दे दिया टिकट। तो अभी इसलिए गेट को हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम एक ही गेट से हो जाएगा। तो इसलिए की को यहाँ पे लगाना है। ओ भाई अरे हाँ हाँ पगली सिलेंडर ने हम लोग को मालूम है। एक तो यार ये बुढ़ा बुढ़िया कम से ऊपर से पगली सिलेंडर ने हम लोग को डरा रही है। ऑलराइट गाइस तो फिलहाल मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन एक्सीलेटर चाहिए होगा, जो कि फिलहाल यहीं पे पड़ी है। और भाई इसको लेते ही ना मेरे को अभी से फूड स्टेप आने शुरू हो गए, और इससे पहले क्या वो मेरे को मार दे मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ भाई। ओके गाइस तो अभी हम लोग को इस वाले गेट को लगाना है, एंड अभी हमें इस वाले एक्सीलेटर को यहाँ पे लगाना है और लेट्स गो। तो फाइनली गाइस फाइनली हम लोग जंगल मोड पर मंगल करके यहाँ से ट्रेन स्किप कंप्लीट कर लिया है। तो अभी कह रहे पापा यहाँ से निकलते ना गाइस और लेट्स गो। तो बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय बंदर ग्रैंडपा, बाय बाय चुड़ैल सिलेंडरीना, और मेरे लिए बिमल में केला, दानंदन में केला खत्म, बोलो बिमल केसरी खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना 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 खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय।